औरंगाबाद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के दानी बिगहा बस स्टैंड के पास जनादेश के साथ विश्वासघात के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर औरंगाबाद बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर जमकर हमला बोला। कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी के लोभ में कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार के जनता के साथ विश्वासघात किया है वह नीतीश कुमार के लिए आत्मघाती बताया। साथ ही कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें धूल चटा देने का काम करेगी। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी हमसे ज्यादा सार्वजनिक जानकार है, इसलिए गठबंधन के हो जाते हैं, सत्ता से और कुर्सी से चिपके रहना एकमात्र जीवन का उद्देश्य है उनका। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पूर्व की भांति पुनः एक बार जनादेश को लात मारा है। जनादेश के साथ विश्वासघात ही नहीं किया बल्कि जनादेश को उन्होंने फिर से एक बार ठोकर मारा है। इसका खामियाजा, इसका नतीजा, इसका परिणाम अगले 2024 और 2025 के, या हो सकता है कि 2025 से पहले भी बिहार में चुनाव हो जाए। इसके बाद जब भी चुनाव होगा उनको इसका नतीजा पता चल जाएगा, और ऐसा उनको पहले भी पता चला है, भोगा है उन्होंने। यानी जनता दल यूनाइटेड का अर्थी उठाने के लिए